में न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गोंडा में जिला अस्पताल में आधी रात हंगामा और बवाल हुआ है। मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने जमकर हंगामा काटा। इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की। ड्यूटी पर मौजूदा स्टाफ संग मारपीट और बदसलूकी की है। इमरजेंसी वार्ड की खिड़कियां और कुर्सियां तोड़ी गई हैं। डॉक्टर और फार्मिस्ट के साथ जमकर मारपीट की। इमरजेंसी में तैनात ईएमओ जान बचाकर भागते हुए नजर आए। मारपीट हंगामे की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गोरखपुर में काली फिल्म बेचने वाले दुकानदारों पर पुलिस और नगर निगम की प्रवर्तन टीम का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को पुलिस और प्रवर्तन टीम ने गोलघर काली मंदिर के पास चारपहिया वाहन के पार्ट्स बेचने वाले दुकानदारों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में काली फिल्म बरामद की है। संबंध में एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि काली फिल्म बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। काली फिल्म लगाने पर पूरी तरह से रोक है। ऐसे में काली फिल्म लगाकर चलने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा। आज गोरखपुर पुलिस एवं नगर निगम गोरखपुर के जॉइंट ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन ब्लैक फिल्म पिछले 3 दिन से चलाया जा रहा है। उसी के संबंध में आज जटेपुर क्षेत्र के अंदर कार जो श्रृंगार के जितना भी कार्य करते हैं फिर छापामारी की गई है। उसमें आप देख सकते हैं पीछे बड़ी मात्रा में ब्लैक फिल्म रिकवर की गई है और उसके ऊपर सुसंगत धाराओं के अंदर चालान किया जाएगा। और बेसिकली एक संदेश देना चाहते हैं गोरखपुर और उसके आसपास के जितने भी लोग जो कार चालक हैं कोई भी ब्लैक फिल्म का प्रयोग ना करें। ये नियम विरुद्ध है एवं जो भी उसका ब्लैक यूज करेगा उसकी गाड़ी सीज की जाएगी एवं चालान किया जाएगा। इसे हमारा मुख्य उद्देश्य है ब्लैक फिल्म लगाकर जो भी किसी प्रकार का अपराध कारित करता है ताकि वो अपराध ना कर पाए। धन्यवाद। आप ये तो करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक के दौरान खजनी के विधायक श्री राम चौहान, चौरी चौरा विधायक सर्व निषाद, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, क्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आगामी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के जन कल्याणकारी योजनाएं और राशन को जन जन तक पहुंचाने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जागरूक करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बारे में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का 8 वर्ष के सफल कार्यकाल पूरा हो रहा है जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बैठक आज की जा रही है। बैठक आगामी 30 मई 2022 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है जिसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजनाओं के कार्यक्रम को लेकर के पूरे 1 जून से लेकर 15 जून तक दो सप्ताह का ये कार्यक्रम है जहां हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के बूथ स्तर और शक्ति केंद्र स्तर पर हम इसकी व्यवस्था बनाएंगे। मंगलामुखी किंडर जन कल्याण उत्थान संस्थान गोरखपुर की तरफ से हिमायूपुर उत्तरी में स्थित साकेत विद्यालय के बच्चों में किताबें, पानी की बोतल, पेन पेंसिल सहित अन्य सामानों का वितरण किया गया। बता दें कि इस विद्यालय में दिव्यांग मुकबादिर बच्चे पढ़ते हैं। उनके बीच संस्थान की सचिव व किरण दीदी के नेतृत्व में किन्नर समाज के लोगों ने पढ़ने लिखने की सामग्री वितरित की। इस संबंध में मंगलामुखी किन्नर जन कल्याण उत्थान संस्थान की सचिव किरण दीदी ने कहा कि संस्थान द्वारा समय समय पर जनहित के कार्य किए जाते हैं। निर्धन बच्चों की शादी की बात हो या फिर गरीबों को आर्थिक मदद, हम लोग आके आकर सहायता करते हैं। सहायता से ये सब कार्य आगे होता है मेरा, जैसे कहीं शादी में देना, कहीं मंदिर में देना, तो मेरे चेले मेरे बच्चे हैं, ये सब मदद करते हैं हमको। हम इन लोग सहायता से हर काम करते हैं, मेरे गुरु भी करती है, देती है वो। तो हम लोग सब मिल के, हम लोग जितने घर में 10-12 किन्नर लोग हैं, हम लोग गुरु चेले पोती चेले लोग हैं, हम लोग सब मिल के कोई कार्य करते हैं। जैसे कोई शादी में किसी को देना हो, कोई गरीब को मदद करना हो, कोई मंदिर में देना हो, ये सब कार्य में हम लोग आगे रहते हैं, हमेशा करते हैं और करते रहूंगी। लेकिन नहीं, आज यहाँ आके अच्छा लगा हमको ये बच्चे लोग को देख के, कि हम सोचते थे कि एक हम ही दुखी हैं दुनिया में, ये ऐसे हम पैदा हुए हैं, ये हमसे भी बथेरे लोग दुखी में है बेचारे, जो बोल नहीं सकते हैं तो इनके लिए हम आए थे कुछ उपहार देने के लिए। हमेशा आएंगे, हमेशा करते रहेंगे हम लोग गरीब बच्चे को लिए, ऐसे बच्चे को लिए हम लोग।
पडरौना विद्युत उपकेंद्र पर धरना दे रहे संविदा कर्मियों का आरोप था कि उनको समय से वेतन नहीं दिया जाता और उच्च अधिकारियों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि समय वेतन नहीं मिलने से उनका और उनके परिवार का जीवन यापन काफ़ी मुश्किलों भरा हो गया है। कर्मचारियों ने कहा कि जनपद में करीब 600 से ज़्यादा संविदा कर्मी हैं, उनके साथ किसी भी तरह की घटना होती है तो विद्युत अधिकारी द्वारा किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया जाता। कुशीनगर में 62 वर्षीय वृद्धा की हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप गांव के ही अर्जुन नाम के एक व्यक्ति पर लगा है। पुरानी रंजिश की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वृद्धा की हत्या करने के बाद मौके से भागने में आरोपी सफल रहा। थाने के कड़वा दिलीप नगर के बिंदल टोला निवासी ये मृतका बताई जा रही है। प्रयागराज जिले के जसरा बाजार में व्यापारी से दुकान विवाद के बाद व्यापारी ने विवाद करने वाले युवक को गोली मार, जिसके बाद व्यापारी दुकान बंद करके मौके से फरार हो गया। घर के लोगों ने घायल अवस्था में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरसा पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मरीज की हालत गंभीर देखते हुए उसे रेफर कर दिया, जिसके बाद गोली लगने की सूचना के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद मौके पर चार थाने की फोर्स पहुंच गई। रायबरेली में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपिटाई हुई। मारपिटाई का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। लाठी डंडों से जमकर मारपिटाई हो रही है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे उजागर सिंह का एक पूरा मामला। सिद्धार्थनगर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिले में आगमन हुआ। कोटरा ग्रांड क्षेत्र के इस्लाम नगर वो पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। 14 मई की रात दबिश के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक 50 वर्षीय महिला की गोली लगने से मौत हुई थी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।